उत्तर प्रदेश में चुनावों के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मार देने की धमकी दी गई है। जी हां, ट्विटर पर लेडी डॉन नाम के एक ट्विटर अकाउंट से योगी आदित्यनाथ को मार देने की धमकी दी गई है। साथ में ही बहुत सारी ट्वीट की गई है। यहां तक कि इस लेडी डॉन नामक ट्विटर हैंडल के यूजर ने यूपी पुलिस, अलीगढ़ पुलिस को भी टैग किया है और कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी तो मात्र एक बहाना है, असली निशाना तो योगी आदित्यनाथ है। इस खबर के आने के बाद यूपी पुलिस तैनात हो चुकी है और यूपी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इस लेडी डॉन नाम का जो यूजर है, जिसने जहां से भी ट्वीट किए हैं, उसकी तफ्तीश के लिए पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। इस अकाउंट ने ट्वीट करते हुए इसमें लिखा कि अपनी टीम लगाओ, दिल्ली पुलिस मत देखो, योगी मारा जाएगा, और इस ट्वीट में यूपी पुलिस को भी टैग किया गया है। इसी में आगे ट्विटर हैंडल से अलीगढ़ पुलिस को टैग करते हुए लिखा गया है कि योगी आदित्यनाथ की जान खतरे में। ट्वीट में आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मेरठ निवासी सीमा सिंह योगी आदित्यनाथ को मारने का प्रण ले चुकी है, योगी आदित्यनाथ सूरज नहीं देख पाएंगे। सीमा सिंह यूपी अध्यक्ष भीमसेना की मानव बम बनकर आ रही हैं, जो योगी का संहार करेंगी। इन तीन ट्वीट्स के आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने अपने इनपुट आउटपुट के जरिए सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है और योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के ऊपर एक जो सवाल खड़े किए गए हैं लोगों की तरफ से, उसको लेकर पुलिस अब बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी हुई है। सुरक्षा बहुत ज़्यादा तैनात कर दी गई है। साथ में ही इस जो ट्विटर हैंडल का जो यूजर है, इसका पता लगाया जा रहा है। तो देखना होगा इस व्यक्ति की कब गिरफ्तारी होती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनावों के बीच में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला होता है और योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमले करने की धमकी दी जाती है, इन दोनों के बीच में क्या चुनावी सरगर्मियां तेज होंगी और इससे किसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुरक्षा में सेंध किसी भी प्रकार से जायज नहीं है और चुनाव आयोग को साथ में ही पुलिस को बड़ी तफ्तीश से जांच करनी चाहिए और साथ में ही इन चुनावों के बीच में किसी प्रकार के दंगे की स्थिति या किसी प्रकार की कानून व्यवस्था के तोड़ने की तमाम साजिशों को तोड़ देना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे थे बिग हेडलाइंस।